क्लास 12th एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 14 है। ए मैट्रिक्स दे रखा है हमें और ए और बी नंबर फाइंड आउट करना सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू जीरो। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा क्या है? ए है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा? थ्री इंटू थ्री प्लस टू इंटू वन, थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू वन, वन इंटू थ्री प्लस वन इंटू वन, वन इंटू टू प्लस वन इंटू थ्री। थ्री इज अ नाइन, नाइन प्लस टू, थ्री टू इज अ सिक्स, सिक्स प्लस टू, वन इंटू थ्री, थ्री प्लस वन, टू प्लस वन, इलेवन, एट, फोर, थ्री। ये क्या आ गया हमारा? ए स्क्वेयर। क्या आ गया? ए स्क्वेयर। नाउ गिवन, गिवन क्या है? ए स्क्वेयर प्लस ए ए प्लस बी आई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से ए स्क्वेयर कितना है? ग्यारह, चार, आठ, तीन प्लस ए कितना है? थ्री टू वन वन प्लस बी आई कितना है? वन जीरो जीरो वन। और ये किसके इक्वल है? ये बना यानी इलेवन प्लस थ्री ए प्लस बी, एट प्लस टू ए प्लस जीरो, फोर प्लस ए एंड थ्री प्लस ए प्लस बी। ये किसके इक्वल आ गया? जीरो 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 जीरो। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला? इलेवन प्लस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन। फोर प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। एट प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थ्री। थ्री प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, फोर प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू माइनस। पुट ए इज इक्वल टू माइनस फोर इन इक्वेशन फोर। इक्वेशन फोर क्या है? थ्री प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, थ्री माइनस फोर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली।